माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपकी जो जुलाई मंथ की मंथली रीडिंग है उसे करने वाले हैं। और क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ज़्यादा जो वोट्स थे ना, वो पिक अ कार्ड जो रीडिंग है उसी को ही मिले थे। तो यस, हम पिक अ कार्ड के स्टाइल में ही जो आपकी मंथली रीडिंग है उसे करने वाले हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही कह लीजिए कि मेरा अब तक का सबसे सुंदर और कह लीजिए कि सबसे प्यारा डेक, यू नो, नया डेक है ऑब्वियसली। ये इसे आने में भी काफ़ी टाइम लगा गाइस, और मेरी ज़िद भी यही थी कि मुझे इसी डेक के साथ यू नो जुलाई मंथ की रीडिंग को करना है। तो यस, ये भी एक रीज़न रहा कि मैं बहुत जल्दी जो है रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। बट मुझे बहुत खुशी है कि ये डेक फाइनली मेरे हाथों में आ गया है और मैं इसी से ही यू नो आपके लिए रीडिंग करूँगी। सो यस, बहुत ही ब्यूटिफुल डेक हम आज की रीडिंग में यूज़ करने वाले हैं। और मैंने ऑप्शंस में भी जो इस डेक के सबसे सुंदर कार्ड्स है ना, ऑप्शंस में मैंने उन्हीं को ही रखा है। और ये रो थोड़ा सा कलर्स भी ऐड कर दिए हैं इनकेस अगर आप कलर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ओके, सो यस, मैं आपको यहाँ पर बारी बारी करके पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ, उसी के आधार पर आप अपने ऑप्शंस को चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग को देखिए। ओके, तो कार्ड नंबर वन, पाइल नंबर वन है, आर यू रेडी? ओके, आपके लिए है 10 of cups। यू गाइस, ब्यूटिफुल। आई मीन, इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है, राइट? ब्यूटिफुल। सो ये है ऑप्शन वन आपकी एनर्जी, 10 of cups। पिंक फ्लावर है इसके साथ। पाइल नंबर टू, अरे ये तो हाथ में नहीं आ रहा। ओके, पाइल नंबर टू आपका देखते हैं। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। और आपके लिए जो कलर में कलर की ऊर्जा है वो है ऑरेंज एनर्जी। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर थ्री, आर यू रेडी टू सी योर कार्ड? ऑलराइट, लेट्स सी। आपका कार्ड है ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। और आपके लिए जो कलर है यहाँ पर वो है येलो कलर, येलो कलर के फ्लावर्स। ओके, मैं फ्लावर्स भी आपको दिखा देती हूँ। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ऑलराइट, तो यस, इसी के आधार पर आपको आज की रीडिंग को देखना है। और जो भी मैसेजेस हैं, मैं ज़्यादातर ब्लेसिंग्स ही कवर करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है जुलाई मंथ बहुत ही ब्लेस्ड मंथ होने वाला है। सो मेरा जो ध्यान है वो बार बार ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जा रहे थे मेडिटेशन के दौरान। तो यस, मैं ज़्यादा ब्लेसिंग्स को कवर करूँगी, बट मैं यहाँ पर एडवाइस भी बहुत लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैरो एक ऐसा टूल है जो एडवाइस के लिए बहुत तगड़ा है। तो ऑब्वियसली हम एडवाइस भी यहाँ पर देखेंगे। ओके, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल बातों में आपको बता दूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है www.shunyacreates.com। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ वहीं होती है। अगर आपको कोई भी मैसेज करके ये कहता है कि यहाँ पैसे भेज दीजिए तो वो एक स्कैमर है। ओके, और उससे आपको बचना है। दूसरी चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई कह लीजिए हाईलाइट वहाँ पर डालती रहती हूँ। ओके, तो यस, अगर आप थोड़ा सा पर्सनल कंटेंट में यू नो दिलचस्पी रखते हैं तब आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज ये है कि मेरी नई वर्कशॉप आई एम होम वर्कशॉप, जो कि बॉडी पॉजिटिविटी और वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है, 9th of July, यू नो 9 जुलाई से ये जो वर्कशॉप है ये शुरू होने वाली है ऑनलाइन, जिसमें हम यू नो साथ में काम करेंगे,
लाइव सेशंस होंगे, बहुत सारी मोटिवेशनल एनर्जी होगी, एक किस्म की स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है ये 3 मंथ्स की। और अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो यस, उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्कशॉप होने वाली है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस वर्कशॉप में जो लाइक माइंडेड होंगे, क्योंकि वो एक ही मिशन के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, अपनी बॉडी को एक परफेक्ट एनर्जी में मैनिफेस्ट करने के लिए इकट्ठा होंगे। तो यस, आपको अपनी सोल फैमिली से भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। सो ज्वाइन कीजिए इस वर्कशॉप को, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। ओके, ऑल राइट यू गाइस, मैंने आपको सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको दे दी हैं, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये रीडिंग होने वाली है हमारे 10 of Cups का जो ग्रुप है उनके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी म्यूजिकल एनर्जी ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, ब्यूटीफुल। सो जुलाई मंथ की एनर्जी को हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली गाइज, और आपने यू नो 10 of Cups के कार्ड को चूज़ किया है। बहुत ही हार्मनी, बहुत ही पीसफुल एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है। इस डेक में तो ये और भी, मतलब मैं क्या ही कहूँ इसमें मुझे इन्फिनिटी नज़र आती है, इन्फिनिटी में मुझे शून्य नज़र आ रहा है। ब्यूटिफुल कार्ड, राइट? तो ये कार्ड को मैं आपके मैग्नेटिक पॉइंट में रखूँगी। मैग्नेटिक पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी ऊर्जा जो बेसिकली हमारी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करती है। ओके, तो अगर आपको जुलाई मंथ में कुछ भी, आई रिपीट, कुछ भी अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, तो उसकी स्पेस क्या होगी? हैप्पीनेस। शब्द को लिख लीजिए, हैप्पीनेस, खुशी। ओके, ये जो ऊर्जा है हैप्पीनेस की, इसको आपको करना है विजुलाइज। जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं उसमें विजुलाइजेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, और उससे बहुत फास्ट रिजल्ट्स हमको दिखते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको इमेजिन कीजिए, और उसमें जो इमोशन डालना है, क्योंकि इमोशन के बिना विजुलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती, फिर चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, सिर्फ विजुलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हम, राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी उस टेक्निक में, उस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में हैप्पीनेस की एनर्जी को ऐड करना है। आपको अपने आप को हैप्पी देखना है, अपने आप में यू नो कोई ना कोई ऐसी इमेजिनेशन में अपने कुछ ऐसा विजुलाइज कीजिए, कुछ ऐसा देखिए कि जिस डिटेल से आपके भीतर ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आप हैप्पी महसूस करने लगे। ओके, क्योंकि जितना आप हैप्पीनेस की फीलिंग में टैप इन करोगे ना जुलाई के मंथ में, चीज़ें ऐसे आएंगी आपके पास, और 1, 2, 3 नहीं, मतलब ऐसा कोई इसके ऊपर हम बोझ नहीं डाल रहे कि सिर्फ एक ही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे या दो, ये भरपूरता है। ओके, ये शून्यता, ये कंप्लीशन है, इसमें सब कुछ आ गया, 10 चीज़ें आ गई इसमें। ओके, सो यस, आपको मैं फिर से बता दूँ, शब्द आपकी स्पेस है हैप्पीनेस। जितना खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, जितना खुश रहोगे, जितना अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, चाहे फिर वो यू नो जर्नलिंग टेक्निक हो, चाहे विजुलाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो आपकी, उसमें हैप्पीनेस को ऐड करो। जितनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आएंगी, जिनमें ब्लेसिंग्स हैं, हार्मनी है, पीस है, साथ हैं। अगर आप देखें इस कार्ड की भी ऊर्जा, यहाँ भी हाथ थमा हुआ है और यहाँ पर भी जो है ऊर्जा एक ऐसी नज़र आती है कि हाँ हम साथ साथ हैं। आपको बहुत सारा साथ भी महसूस होगा, मुझे लगता है जुलाई के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, आपका साथ निभाने के लिए लोग हैं, परिवार है, आपका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो सकता है, गुरु हो सकते हैं आपके। ओके, तो आपको वो अकेलापन जो होता है ना वो नहीं आपको महसूस होगा। आई ऑल्सो बिलीव कि अगर इस पाइल में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का, या आपको एकदम से शाम के समय बहुत अकेलापन सा लगने लगता है, आपको लगता है कि यार मैं बहुत अकेला हूँ, कोई बात करने, ये फीलिंग्स भी आपके ऊपर इस मंथ में हावी नहीं होंगी। ओके, आपको अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं, आप बहुत सपोर्टिव महसूस करोगे। ओके, मुझे आपकी ग्राउंड के बारे में भी एक वो मैसेज दे रहे हैं। ग्राउंड माने कि जिस पर हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, यू नो हमारे हिस्से की जो धरती है। आई थिंक आपके हिस्से की जो धरती है ना, पाइल नंबर 1, वो आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मुझे यहाँ पर जैसे
जैसे मुझे वो एक ऐसी ऊर्जा दिखा रहे हैं जैसे जिसमें जो जो डेड है बेसिकली, जैसे कह लीजिए कि डेड है राइट, और उसमें जान अगर फूंकना हो हमें तो वो स्पेस है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में जो मदर अर्थ गाया की एनर्जी है और ख़ास करके जो धरती है आपके हिस्से की, वो आपको प्राण या कह लीजिए जान जो है लाइफ प्रदान करना चाहती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है यहाँ पर। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपको जब भी ऐसा लगे, या अगर आप अमूमन भी अभी भी इस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि लाइफ महसूस नहीं हो रही मुझे, यू नो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जान सी नहीं है, या अगर आपको आपकी बॉडी भी वीक लगती है, तो अपने हिस्से की धरती के साथ कनेक्ट हुई है। ओके, आप नंगे पांव उस पर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं अपना हाथ ऐसे रखकर। मैं कभी कभी ये भी प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली एनर्जी वर्क करती हूँ, तो मुझे गाया से बहुत ऊर्जा लगती है राइट। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इन चीज़ों का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी ऐसे हाथ रख देती हूँ गाइस, और सिर्फ ठंडापन महसूस होने देती हूँ। उससे भी मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में मैं चली जाती हूँ। ओके, आपको यही सब करना है। ओके, यही करना। आपकी अगेन स्पेस क्या है, हीलिंग नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है आपकी स्पेस। आपकी स्पेस है यहाँ पर लाइफ लेना, आपको माँ से लाइफ मिलेगी। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके, और इसी से ही हम जो बाकी के कार्ड्स हैं, ये डेक बहुत बड़ा है तो मैं इसे हाफ जो है ले रही हूँ। बहुत बड़ा डेक है ये गाइस, तो शफल नहीं होता। सो लेट्स सी पाइल नंबर वन के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअल लव, मैंने कहा आपको, आप अकेला नहीं महसूस करोगे इस मंथ में। ओके, आपको बहुत प्यार मिलेगा, और उसका मेन रीज़न यही भी होगा कि आप प्यार देना चाहते हो। ओके, आप अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी विटनेस करोगे। एक रिश्ते की स्पिरिचुअल साइड क्या है, फिजिकल साइड होती है यू नो, एक रिश्ते की, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल साइड क्या है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लव रिलेशनशिप में भी आप एक बहुत ही प्योर कनेक्शन में एंटर करें, या आपकी वो डेस्टिनेशन जो होती है ना एक रिलेशनशिप में कि हमें साथ रहना है, हमें शादी करनी है, पॉसिबिलिटी है कि आप उसको भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करें। ओके, तो डेस्टिनेशन है यहाँ पर। या मैंने बोला आपको लकी मंथ, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। पाइल नंबर वन, देखो या तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, या फिर आप अपने मन में रख सकते हो कि नहीं 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 रीडिंग्स में तो आ जाता है तो पता नहीं ये होगा कि नहीं। ठीक है, चॉइसेस हैं और कुछ नहीं है, आपको आप कौन सी चॉइस लेना चाहते हो। मैं आपकी जगह होती तो मैं इस एनर्जी को क्लेम करती। बहुत लकी मंथ है ये आपके लिए, बहुत लकी मंथ। ओके, कोई डार्क वुमन, डार्क वुमेन, डार्क हेयर हो सकते हैं, इनके साथ आपकी कोई स्पेशल डीलिंग रह सकती है इस मंथ में, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आई बिलीव, मैं जब भी ये कार्ड्स मेरी खुद की भी अगर मैं जब रीडिंग करूँ तो उसमें आते हैं, तो मुझे मेरे लिए ये मैसेज मैं हमेशा चैनल करती हूँ कि ये जो भी वुमेन है इस मंथ में, ये मेरे लिए क्या रोल अदा करेगी, उससे क्या इमोशंस चैनल होंगे। क्योंकि इस लोगों का हमारे जीवन में आने का यही पर्पस होता है कि वो हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं राइट। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसा किसी वुमेन के साथ आपकी कोई डीलिंग रहती है, डार्क वुमेन या डार्क हेयर हों जिनके बहुत ज़्यादा जुड़ा बनाते हों, जो देखिए कि ये वुमेन आपके लाइफ में इस मंथ में क्या रोल अदा कर रहे हैं, और उससे आपको आपके बारे में क्या पता चल रहा है। हो सकता है कि ये आने वाले कुछ महीनों में आपकी मदद कर दे, ये जो इन्फॉर्मेशन आप इस मंथ में कलेक्ट करोगे। ओके, ओह फिर से यू हाईली थॉट ऑफ। आई बिलीव फाइल नंबर वन इस मंथ में ना आप नोटिस किए जाओगे। ओके, आपके बारे में बातें होंगी, आपके बारे में सोचा जाएगा, आपको नोटिस किया जाएगा, आपको लोग मिस करेंगे। ओके, आपको लोग मिस करने वाले हैं, और उसकी वजह से भी अहमियत जैसे होती है ना, अहमियत बढ़ रही है आपकी इस मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक में है रिकन्सिलिएशन, तो कुछ लोग अगर लव रिलेशनशिप में या फैमिली मैटर्स में भी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्लेम दिस एनर्जी। ओके, आपको वो आपकी ये ब्लेसिंग है बेसिकली।
आप लिटरली पाइनएप्पल का भी यहाँ पर रिचुअल कर सकते हैं, पाइनएप्पल को यू नो ब्लेस कर सकते हैं, और पाइनएप्पल की ऊर्जा से भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा सा पाइनएप्पल पास में रख सकते हैं, खास करके रिकन्सिलिएशन के लिए। फ्रूट्स की एनर्जी मैनिफेस्टेशन में यू नो बहुत आसानी से यूज़ की जा सकती है। तो येस, आई बिलीव रिकन्सिलिएशन के लिए पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल की एनर्जी को ब्लेस करके खाना, ये भी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। ओके, मेरा मन तो है और कार्ड्स लेने का, लेकिन और रीडिंग करते हैं। ओके, और राइट, पाइल नंबर वन के लिए और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। काम का ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, पाइल नंबर वन, काम का स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि उस स्ट्रेस से पता क्या होगा आपका कि आप यू नो सिर्फ अपनी साइड ही देखोगे। फिर अगर आप काम का ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे ना, आपको लगेगा कि यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यू नो, तो दूसरे जो एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आप खास करके टीम वर्क में हो, तो वो दिखना बंद हो जाएगा और उससे आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो काम के स्ट्रेस से खुद को बचाना, अपना हिस्सा भी देखना और दूसरों के हिस्से को भी नोटिस करना। ओके, पैसा खर्चते वक्त भी इस मंथ में मन अपना ऐसे छोटा नहीं करना है, मैं ये भी बता दूं, इससे भी आपकी अबंडेंस ब्लॉक हो सकती है। ऐसा मन नहीं छोटा करना, बस अपने आप से कहना है कि हाँ मैं पैसा खर्च रहा हूँ क्योंकि मैं बदले में अबंडेंस को ले रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं अबंडेंस आ रही है। पैसा खरीद कर हम अबंडेंस को ही वेलकम करते हैं, राइट। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, आपका थर्ड कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती वैसी ऊर्जा है इसमें। मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पर किसी ने आपकी लाइफ में कोई जाल बुन दिया है या आपकी लाइफ में कोई चक्रव्यूह चला दिया गॉसिप करके, गलत फहमियों से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से, कोई भी हो सकता है वो, ओके, अगर किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन ने ये किया है, ट्रस्ट मी, उसके लिए कर्मा है। ओके, क्योंकि आप बैठे हो, आपकी मेन एनर्जी बैठी है शून्यता में। शून्यता में सारे लॉज आ जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, है ना, तो हमने बात भी की थी यहाँ पर। तो यस, अगर आपको किसी ने चक्रव्यूह में डाला है, ट्रस्ट मी, उसका कर्मा आपको दिख जाएगा। आई थिंक उसका मेन रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एक तो शून्यता है और दूसरा आप यहाँ पर बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में भी हो, तो पॉसिबल है कि इस पाइल में कुछ लोगों ने अपना इनर वर्क कर लिया है। ओके, तो आपकी एनर्जी जो है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो जब हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में होते हैं ना, उस समय कर्मा आता जाता भी है, उसकी एक लूप बनती है। कर्मा जो हमने किया है उसका रिवॉर्ड हमको मिलेगा, या हमारे साथ अगर किसी ने बुरा किया उसको उसका फल मिलेगा। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है पाइल नंबर वन आपके लिए, कि ये बहुत अच्छा मंथ है थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को रिलीज़ करने का। ऐसा नहीं है कि आप उसमें हो, इस चीज़ की कोई मेमोरी हो सकती है, क्योंकि सोच माने की थॉट्स, राइट। तो अगर कोई मेमोरी है आपकी ऐसी जिसमें थ्री ऑफ सोर्ड्स, जिसमें दिल टूटा या किसी ने आपको हर्ट किया, इट्स ओके, आप उसे रिलीज़ कर सकते हो इस मंथ में। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि फुल मून कब होगा, लेकिन जब भी होगा उस दिन आप यू नो लिटरली इस इंटेंशन को, उस पर्सन का नाम लेके कि हाँ इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया था, ये वाक्या हुआ था, और आज मैं अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को इस हर्ट से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ओके, बहुत अच्छा मंथ है रिलीजिंग के लिए। वी हैव फाइव ऑफ कप्स। ये रिलीजिंग हो सकता है किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई हो, खास करके ये हो सकता है कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई रिश्तेदार आपका, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसने आपको हताश किया और आप उससे काफी सैड हो गए थे अपनी लाइफ में। ओके, सैडनेस है यहाँ पर, तो ये ऐसे डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज कीजिए। We have Ace of Wands. आपके साथ जो आपकी तरफ जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत blessed energy है, तो उसे block करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके belief system को यहाँ पर बता रहा है pile number वन, कि अगर आप ऐसे mindset में भी रह रहे हो ना कि आपको लगता है कि future से जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं वो बुरी हैं, आपके साथ तो बुरा ही होगा, आपको तो हमेशा बस struggle ही करनी है, यू नो, आपको वो तो हमेशा बस फाइट ही करनी है, अगर दूसरा आपके बारे अगर आपकी तरफ देख रहा तो शायद वो बुरा ही सोच रहा होगा। ये सारे बिलीफ सिस्टम को रिलीज कर दो। आपकी तरफ जो आ रहा है वो बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्स, ब्लेस्ड एनर्जी, तो इस माइंडसेट में रहने की क्या ज़रूरत है।
ओके सो यस, इस मंथ में जितना इस माइंड सेट को भी, इस बिलीफ सिस्टम को भी रिलीज करोगे, उतना ही देखोगे कि जीवन में परिवर्तन है। लोग जिन पर आपको शक था वो शक जाने लगेगा आपका, या फिर आप अच्छा अच्छा महसूस करने लगो कि हाँ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी पीठ पीछे अच्छी बातें होती हैं। ओके एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं करियर का ही बोलने लगी थी और एट ऑफ पेंटिकल्स लिटरली करियर से, मनी से रिलेटेड कार्ड है ये। एंड देन वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स, करियर चेंज के लिए बहुत अच्छा मंथ है, खास करके अगर आप यू नो जैसे टेक्निकल जॉब से यू नो बिजनेस में अगर आपकी ट्रांजिशन आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं मुझे यू नो ये जो कंप्यूटर्स हैं ऑनलाइन जो इतना काम है उससे मुझे क्राफ्टमैनशिप या फिर अपने हाथों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट सेल करना है बिजनेस में, उसके लिए बहुत अच्छा मंथ है ये। ओके इनके साथ करियर को चेंज नहीं करना चाहते तो आपका हो सकता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। ओके इन्वायरमेंट चेंज होने के यहाँ पर चांसेस हैं, तो नया ऑफिस मिल सकता है, स्पेस चेंज हो सकती है। अगर वो भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी लेट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम के प्रेशर से कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं आ रहा, अगर आपका पैसा अटका भी हुआ था लेट से कि वो यहाँ पर फ्लो में दिख रहा है। ओके तो मनी आ रही है करियर में, ओके चेंजेस हैं फॉर द बेटर, फॉर द बेटर आप इन्फिनिटी में जा रहे हो यहाँ पर। मनी वाइज भी ये मंथ अच्छा है, मनी यू नो जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी, आप सेव डेफिनेटली इस मंथ में कर पाओगे। या एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल द सन कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, आई मीन पाइल नंबर वन, कम ऑन, आई बिलीव इस पाइल की मेन दिक्कत इनका बिलीफ सिस्टम है। आपको लगता है कि आपके अतीत से भी जो लौटेगा वो शायद हो सकता है बुराई हो, और जो आपके फ्यूचर से आएगा वो भी शायद बुराई हो। इस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करो। ओके आपकी तरफ प्रकाश है मेरी जान, बहुत ये मुझे ऐसा लगता है सेवन्थ मंथ से लेकर जो आने वाले सिक्स, मतलब जो सेकेंड हाफ है 2023 का, बाय द वे मैं उसकी भी रीडिंग्स करने वाली हूँ जोडियक साइन के बेसिस पर, तो उसको भी मिस मत करना, वो बहुत डिटेल में करूँगी मैं। तो वो जो सेकेंड हाफ है ना 2023 का, बहुत है आपके लिए। रिकन्सिलिएशन पीछे भी आया था और ये सिक्स ऑफ कप्स उसकी डबल कन्फर्मेशन। ओके और सन कार्ड तो सन कार्ड तो है ही हैप्पीनेस, उजाला, पॉजिटिव आउटकम्स, प्रेगनेंसी है यहाँ पर, प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर वन बनती हुई सेकेंड हाफ में। ओके मुझे ऐसा भी लगता है स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ यू नो अपने एग्जाम को पास करना उसकी निशानी है ये। ओके बट यस, इससे इन सब मैसेजेस से जो मैं बड़ा मैसेज आपको देना चाहूँगी, आई थिंक यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं कि भाई अपना माइंड फ्रेश कर लो, अपना माइंड ताज़ा कर लो। माइंड ताज़ा करने से मेरा मतलब क्या है, नए थॉट्स आए माइंड में, अभी तक जो सोच रहे थे जैसे सोच रहे थे उसमें बदलाव, यू नो। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि स्पिरिट आपको अलग अलग चीज़ों के प्रति, जो नई नई चीज़ें हैं उसके प्रति एक्सपोज कर रहे हैं आपको, कि लाइफ का ये भी एक रुख है और उससे फिर नए थॉट्स आना। आई थिंक ये पाइल बहुत ब्लेस्ड है, आप डायरेक्टली सोर्स से जुड़े हुए हो, यू नो यहाँ पर सन की एनर्जी है, सूरज दादा की एनर्जी, तो आपका सीधा मतलब सीधी सोर्स एनर्जी से आपको कह लीजिए गाइडेंस मिलती है या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये वो पाइल भी हो सकता है जो जिसको परमात्मा का नाम लेने के लिए ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू नो आप बैठे बस साधना लगी और बस जुड़ गया कनेक्शन, यू नो तो वो ऊर्जा है यहाँ पर। इस चीज़ की आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई थिंक आपके माइंड में आ रही है, आपके थॉट्स में, आप अच्छा देखना चाहते हो और वो आपको दिखेगा अब से। सेकेंड हाफ बहुत ब्लेस्ड है इस पाइल का। अच्छा और क्या मैसेजेस हैं, ये कार्ड तो दिख ही नहीं रहा। या बिलीव इन योर सेल्फ, ये गाइडेंस है आपकी, एडवाइस है आपकी। ओके बिलीव इन योर सेल्फ,
ये जो है इसको नहीं कोई रोक सकता, कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस कोई नहीं रोक सकता, ओके? ये होना ही होना है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सोचना कि आपको तो बस हर्ट ही किया जाएगा, आपकी तरफ जो सरप्राइजेज आ रहे हैं वो तो बुरे ही होंगे, ब्लेसिंग्स बुरी ही होंगी आपकी, नहीं। अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट लेकर आओ, बिलीव इन योरसेल्फ। आपकी सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई है। Should I stay or go? I think you should go. Reason being, we have the Five of Cups. I mean, इस एनर्जी में कौन रहना चाहेगा? Eight of Swords में कौन रहना चाहेगा? Right? So, अगर किसी भी सिचुएशन में सैडनेस है, किसी में भी आपको लगता है यार इसमें मैन्यूपुलेशन है, वहां से आगे बढ़ो भाई, वहां से आगे बढ़ो, क्योंकि जो आगे आ रहा है वो बहुत ब्लेस्ड है। ओके, वी हैव द सन कार्ड। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा मंथ है ये, ओके? ऑब्वियसली मैं रिकन्सिलिएशन का मैसेज आपको पहले दे चुकी हूँ। किसी भी किस्म की न्यू बिगनिंग अगर आप कर सकें, जिसमें आप कहें कि यार ये जो सेकेंड हाफ है मुझे इसको ब्लेस्ड बनाना है, यू नो, इसे अच्छा करना है, तो बस वहाँ पर, वहाँ से फिर आगे बढ़ना है आपको, ओके? और बाय द वे मैंने दो बार देख लिया आपकी रीडिंग में, मुझे 444 दो बार दिखा है ये, ओके? 444 अभी मुझे दिखा, 1444, तो यस, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ है बहुत आपकी इस मंथ में, बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ। आई थिंक आपके एसेट्स भी बनेंगे इस मंथ में, ज्वेलरी वगैरह भी आपकी बन सकती है, या प्रॉपर्टी बन सकती है, कोई ना कोई एसेट है आपके लिए यहाँ पर। बैंक अकाउंट में भी आप अपना अपग्रेड कर सकते हो, बैंक अकाउंट का भी जो सिस्टम है आपका, मुझे वो भी दिख रहा है। योर डीपर रिजॉल्व राइजेस, या यहाँ पर भी सन से ही आप पूरी कह लीजिए कि एनर्जी ले रहे हो, डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हो। इस मुद्रा में सन के, सूरज के सामने बैठ के मेडिटेशन करना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है ये आपके लिए। स्पिरिचुअली अगर आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे गाइड्स कौन हैं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, तो ये करो यहाँ पर, ओके? ये मुद्रा ऐसी है बाय द वे, सूरज के सामने बैठकर बेसिकली आपको ये करना है। ब्यूटिफुल। राइज टू चैलेंजेस एज अ न्यू पाथ ओपन्स। यस, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। पाइल नंबर वन, आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, और वो न्यू बिगनिंग्स की जो यात्रा है उसमें आप अकेले नहीं हो, आपके लिए साथ है, आपका साथ निभाने के लिए कोई ना कोई है। रिलेशनशिप हीलिंग भी है इस पाइल के लिए। और कोई मैसेज? सरफेसिंग, बहुत सारी चीज़ें बाहर भी निकलेंगी इस मंथ में, रिलेशनशिप्स में भी बाहर आएंगी चीज़ें बहुत। मन में अगर कोई बात छुपा रहा था आपके साथ, वो हो सकता है बता दे आपको, ओके? आपके मन की बातें भी बहुत बाहर निकलेंगी। आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है इस मंथ में, रुकी हुई थमी हुई बातें बाहर आ रही हैं। सेक्सुअलिटी, बहुत सारे लोग अपने सेक्सुअलिटी के साथ भी यहाँ पर कह लीजिए एक्सेप्टेंस में आएंगे, जो भी आप यू नो अपने आप से कह लीजिए कि आइडेंटिफाई करते हैं, ओके? आई ऑल्सो बिलीव कि आप इस मंथ में बहुत ओपन भी होंगे इस टॉपिक को लेकर, ओके? अगर आप कहीं कह लीजिए कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे थे, महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं जा रहे थे तो झिझक की वजह से कि ओ माय गॉश मैं कैसे इस डॉक्टर के पास जाऊं, यू नो, तो आई बिलीव कि वो झिझक भी आपकी जाएगी। आप बहुत ओपन होंगे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। इससे मुझे पता नहीं कि कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस पाइल का, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। मुझे इसमें चिलीज दिख रही है, तो हीट, यू नो, हीट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस टॉपिक के बारे में बात करके। रिकॉग्निशन,
रिवॉर्ड या अवार्ड कोई मिल सकता है इस बाल को? न्यूज़पेपर में या टीवी में आपकी कोई खबर आ सकती है? सोशल मीडिया पर भी आपको लोग पहचान सकते हैं? ओके, व्हाट एल्स? शिफ्टिंग, या आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही। मैंने आपको 10 ऑफ कप से ही बोला, हैप्पीनेस में टैप इन कर लो। पाइल नंबर 1, सब मिलेगा, सब मिलेगा। मैं बोल रही हूँ आपको, आपके साथ क्लोवर जुड़ा हुआ है। ओके, हैप्पीनेस में टैप इन कर लो, अपनी खुशी का ध्यान रखो। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें, एक्टिविटीज करो जिससे कि हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो आपके। सब मिलेगा, सारी रियलिटी चेंज हो जाएगी आपकी। और ये मुझे बहुत फास्ट लग रही है, बहुत ही फास्ट, जैसे किसी का, जैसे किसी का समय आ गया हो, इस ये गुड टाइम आ गया हो जैसे किसी का। या मैंने बोला कॉन्फिडेंस, क्वीन ऑफ वॉन्स है यहाँ पर। आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है। जितना आप कॉन्फिडेंस को यू नो पर्सनल लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर समझते हो ना, कॉन्फिडेंस क्या है बेसिकली? कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप में यू नो कंफर्टेबल हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, क्या सोच, मुझको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं आईने में अपने आप को जब देखूँ तो मुझे पता है कि मैं शानदार शख्स हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्स बेसिकली आपको ये मैसेज दे रही है तुम कि आप एक शानदार शख्स हो, लेकिन आपको इस पर विश्वास करना होगा, फिर आपको दूसरों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। असल में कॉन्फिडेंस यही है, अपनी एग्जिस्टेंस में, अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में कोई कंफर्टेबल है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, कौन रोकने वाला है? है ना, तो चलो जल्दी से थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। आई एम इन अ वेरी हैप्पी मूड यू गाइस। मेरे पेरेंट्स कनाडा आए हुए हैं, ओके, उसकी वजह से आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। सो ये रीडिंग भी थोड़ी सी फंकी आपको लग रही होगी, बट यस, दिस इज मी। वी हैव अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो देखो, मामला ये भी है यहाँ पर जुलाई के महीने में कि कोई दोगला है शख्स यहाँ पर, जो दिखाता तो है कि यू नो मैं स्वीट स्वीट लिटिल किरी बेसिकली कि इनोसेंट एनर्जी दिखने में, लेकिन वो है नहीं ऐसा, यू नो। तो इस पर्सन से थोड़ा बच के रहना। जो दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, उसको आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा? ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ खतरा ही है। ये मैसेजेस कभी कभी इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपको इस कॉन्शियसनेस में उस स्पिरिट को डालना होता था कि आने वाले कुछ महीनों में आप उस खतरे से बच जाएं। ऐसे लोगों से बचे, सिंपल एडवाइस यही, ऐसे लोगों से बचे दोगलापन है, दिखाने में बहुत स्वीट से, दिखने में बहुत स्वीट से, लेकिन है नहीं, तो वो झूठ हो गया ना, वो तो एक किस्म का कैरेक्टर में। सिंपली अवेयर होना चीज़ों के बारे में। कार्ड्स का ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी ही होगी, इस चीज़ की स्पिरिट आपको अवेयर करना चाहती है चीज़ों के लिए। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। और क्योंकि ये कैट के साथ आया, आई बिलीव अगर आपको नज़र वगैरह बहुत लगती है या आपको जेलेसी का बहुत शिकार होते हो, आई थिंक आप ऊपर उठ रहे हो, बड़े उठ रहे हो, मतलब बड़े हो रहे हो आप, आपका कद बड़ा हो रहा, रुतबा बड़ा हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये जेलेसी वाली एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी आपके साथ, बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होगी आपके साथ। ओके, सो यस, आपका कद बड़ा हो रहा है। पाइल नंबर 1, हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये डार्क वुमन आई है, डेफिनेटली लोग हैं जो सिग्निफिकेंट रोल अदा करेंगे आपके साथ। वी ऑल्सो हैव रेनबो, जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर। अगर कोई टेस्ट था इस पायल का, कोई भी, अगर कोई गंदा सा भी टेस्ट था, यू नो कह लीजिए कि अटावो मोमेंट का कोई चल रहा था आपका, ख़त्म है वो पार्ट। ओके, अब है रिवॉर्ड्स, अब है ब्लेसिंग्स, अब है बहुत सारी हैप्पीनेस, रिकन्सिलिएशन, गुड लक आपके लिए, डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया। ओके, एक और कार्ड लेंगे और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। कम ऑन,
इससे क्लियर मैं आपको कन्फर्मेशन नहीं दे सकती, इससे क्लियर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। पाइल नंबर वन, अब बाकी आपका है, मैंने काम कर दिया अपना। हैप्पीनेस बोला था, दे दिया आपको। ये कार्ड कह रहा है क्लेम दिस एनर्जी, इसको इसको क्लेम करो। सूरज दादा हैं इस महीने आपके साथ, बहुत सुरक्षा कवच है आपके लिए। अगर आपको डर भी लगे ना रात के समय भी, तो सूरज दादा को विजुलाइज करना, इमेजिन करना, उनका नाम लेना, उनको थैंक यू कहना, उनको कहना मुझे प्रोटेक्ट करो। पीले रंग को इमेजिन करना, गोल्डन लाइट को इमेजिन करना, इन कार्ड्स को देख लेना दोबारा से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारी गोल्डन एनर्जी है। ओके, तो सन सन इसमें भी सन, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पाइल नंबर वन, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, बहुत खुश हूं मैं आपके लिए। वेरी गुड। ओके, सो हम आपकी रीडिंग को यहां पे एंड करते हैं मेरी जान। आई होप कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होता है इस चैनल की ग्रोथ में, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, यू नो ये चैनल ग्रो करता है, तो और भी मोटिवेशन आता है कि और भी रीडिंग्स लेकर आएँ, और भी अच्छे अच्छे डेक आपके लिए खरीदें हम, और उसको यू नो आपके सामने पेश करें। तो येस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं फिर से याद दिला दूँ आपको कि मेरी नई वर्कशॉप भी आ रही है गाइज, आई एम होम वर्कशॉप। 3 महीने चलेगी ये वर्कशॉप, बॉडी पॉजिटिविटी, वेट लॉस के बारे में ये वर्कशॉप होने वाली है। बहुत ही उम्दा कंटेंट हम इसमें शेयर करेंगे, आप हमें ज्वाइन कीजिए। ओके, उसकी डिटेल के लिए अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ऑल राइट यू गाइज, मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने यहाँ पर चूज़ किया है द वर्ल्ड कार्ड को, पाइल नंबर टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड। यू नो ये कार्ड जो है, मैं पहले थोड़ी सी इसकी बात आपको इसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने इसे चूज़ किया है तो उसके पीछे रीज़न है। ओके, पहली बात, इस कार्ड तक पहुंचने में टैरो में बहुत समय लगता है, रीजन बीइंग कि ये कार्ड, ये जो मेजर आर्काना है, ये आखिरी मेजर आर्काना है, द वर्ल्ड कार्ड, तो पता नहीं कितना लंबा सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसमें पेशेंस लगता है, इसमें वो एक यू नो हिम्मत लगती है कि यार गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जजमेंटल एनर्जी आ जाए, चाहे कन्फ्यूजन बढ़ जाए, चाहे हमारे टेस्ट लिए जाए, हम गिव अप नहीं करेंगे। तो इसमें आस्था भी बहुत है अपने प्रभु पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपने आप पर भी। ओके, तो ये सब मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप ऐसे लोग हो सकते हो पाइल नंबर टू वाले, और ये इस वजह से नहीं कि बाकी पाइल के अच्छे नहीं होंगे लोग, नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप बाकियों से अलग क्यों हो। ओके, और क्यों आपने इस पाइल को, इस कार्ड को ही चूज़ किया, क्योंकि दो कार्ड तो और भी थे, है ना, फिर आपने इसी को ही क्यों चूज़ा, उसका रीज़न है। ओके, सो यस, आई बिलीव ये पाइल जो है फाइनली एक डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है, जिसमें उसने बहुत तपस्या की है, बहुत वेट किया है, बहुत मैनिफेस्टेशन लगा दी, बहुत प्रेयर्स कर दी, बहुत इनर वर्क कर दिया, पता नहीं क्या क्या नए पापड़ बेले होंगे आपने, जो भी आपने किया है मेरी जान, आप उसके अंजाम तक पहुंच रहे हो जुलाई के महीने में। ये बहुत सक्सेसफुली जो हम वो फिनिशिंग लाइन तक पहुँचते हैं ना, उसकी एनर्जी है ये। ओके, यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रेशन है, यहाँ पर रिकॉग्निशन है, यहाँ पर पावर बढ़ रही है, यहाँ पर शून्यता की एनर्जी है। शून्यता में, मैं पाइल नंबर वन में भी बोल रही थी, शून्यता में सब कुछ आ जाता है, शून्यता में वो हर स्पेस आ जाती है जिसकी बस हम सिर्फ कल्पना ही करते हैं कि मुझे ऐसी स्पेस को एक्सपीरियंस करना है, इस इमोशन को एक्सपीरियंस करना है। तो आपके हिस्से की जो भी खुशियाँ हैं, या कह लीजिए आपके हिस्से का जो भी सुख है, बेसिकली ये कार्ड वो ऊर्जा लेकर आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने से इस पाइल के ऐसे दिनों की शुरुआत हो रही है जो बेसिकली आपके कर्मों का नतीजा है, आपके सेवा का, आपके इनर वर्क का, आपकी प्रार्थना का नतीजा है। ये ऊर्जा ऐसे नहीं आएगी और ऐसे नहीं चली जाएगी, ये थम 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 करती आएगी, फिर टिकेगी।
ओके इसकी ब्लेसिंग सिर्फ जुलाई में ही नहीं आने वाले मंथ्स में भी अनफोल्ड होंगी. पाइल नंबर टू. ओके तो इसमें ब्लेसिंग्स में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इससे जैसे मैंने कहा कंप्लीशन है यहाँ पर. तो अगर यहाँ पर आप काफ़ी लंबे समय से किसी मान लीजिए रिलेशनशिप में थे, तो उस रिलेशनशिप का एक अंजाम है जो मैरिज हो सकता है. यू नो मैरिड है अगर आप तो बच्चे हो सकता है, बच्चे हैं अगर आपका मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं है तो ये घर हो सकता है. पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती ना हम सभी के लिए, जॉब मिल गई, फिर घर ले लिया हमने, गाड़ी ले ली हमने, सेविंग्स अकाउंट बढ़ गया हमारा, ये वो है बेसिकली. ओके बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी है पाइल नंबर टू आपके लिए. ओके बहुत सारा कॉन्फिडेंस. मैं आपकी बॉडी में हीलिंग देख रही हूँ, किसमें, लिटरली बॉडी ही हम देख सकते हैं, बॉडी में हीलिंग है. आप ऐसी बॉडी को स्पेस दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को जैसे इज्जत दे रहे हो, आपकी बॉडी जैसे दिखनी चाहिए, अब वो वैसी शेप लेना शुरू करेगी जुलाई के मंथ से. ओके और उसकी वजह से भी आई बिलीव कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा. आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर यू नो आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है. आपके चारों, जैसे बोलते हैं ना चार दिशाएं हैं बेसिकली हमारी, तो वही ऊर्जा की आपको एक पर्सन रिकग्नाइज नहीं कर रहा आपकी एफर्ट्स को या आपकी कला को या टैलेंट्स को, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, यू नो अलग अलग वर्गों से ये लोग हैं, यू नो जो कह रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है. तो यस ब्लेस्ड 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 बिगनिंग है इस पाइल के लिए इस मंथ से. मैं फिर से कह दूँ ये सिर्फ जुलाई मंथ की एनर्जी नहीं है, ये ऊर्जा थम थम करके आ रही है क्योंकि देर से आई है ना, वर्ल्ड कार्ड बहुत देर से आता है, तो ये अब टिकेगी. जो चीज़ जितना समय लेती है ना उसकी रूट्स उतनी मजबूत होती हैं. तो अगर पैसा आ रहा है तो ये पैसा टिकेगा, खुशी आ रही तो खुशी टिकेगी, सालों साल जो टिके चीज़, तो ये वो एनर्जी है मेरी जान, बहुत ही ब्यूटीफुल. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं. ओके बॉडी में तकलीफ रही है आपकी, कोई बीमारी रही है आपकी, आई थिंक वो यहाँ पर इस महीने में अपना अपनी जड़ छोड़ देगी आपकी बॉडी से, यू नो आपकी बॉडी को छोड़ देगी वो. मुझे यहाँ पर पता नहीं क्योंकि ऐसी बला सी जैसे जैसे चिपक जाती है ना हमसे. तो अगर आपके ऊपर किसी ने कोई आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और उससे उसकी वजह से भी अगर आपकी बॉडी ख़राब हुई, आपको आप यू नो आपकी बॉडी डैमेज हुई या उस पर कोई बीमारी आ गई, आई थिंक वो पता नहीं क्यों यहाँ पर एक इस लाइक वो साइकिल कंप्लीट है. बस आपकी बॉडी ने जितना भोगना था वो हो गया, अब हेल्थ है, गुड हेल्थ है आपके लिए. ओके वी हैव फायर, स्ट्रांग इमोशन, पैशनेट लव और हेट. तो बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस रहेंगे इस मंथ में आपके. प्यार देना चाहो तो आप प्यार दे पाओगे, नफरत पर उतर आए आप तो फिर नफरत भी दे पाओगे. तो मैं आपको यही कहूँगी क्योंकि इमोशंस ऐसे इतने स्ट्रांग हैं तो थोड़ा अवेयर रहना. हेट की तरफ जाना ही क्यों है, हेट दूसरों की नहीं सिर्फ हमको भी यू नो डैमेज करती है. तो जब वो हेट ऐसा होने लगे ना तो खुद को ये कहना कि ये हेट मैं सिर्फ उसे नहीं भेज रहा बल्कि मैं अपने आप को भी भेज रहा हूँ, इसलिए मुझे हेट नहीं करना, उसके चक्कर में मैं अपने आप को डैमेज क्यों करूँ. प्यार चलेगा, प्यार चल जाएगा थोड़ा सा इंटेंस, लेकिन हेट नहीं करनी. ओके वी हैव यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. अपनी अंतर आत्मा से भी जुड़ो, हायर सेल्फ को पुकारो. हायर सेल्फ की रीडिंग्स अगर यूट्यूब पर दिख जाए कहीं पिक अ कार्ड इस मंथ में, उसको मिस नहीं करना, वो रीडिंग्स देखनी देखनी है. ओके क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे. यू नो पिंट्रेस्ट ऐप है एक, उसमें भी आप डाल सकते हो इंट्यूटिव मैसेजेस या फिर कोट्स वगैरह, ऐसे 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 यू नो उनको फॉलो कर सकते हो या देख सकते हो, पढ़ सकते हो. उससे भी आई बिलीव आपको कुछ डाउनलोड्स आपकी इंट्यूशन से हो सकते हैं. ओके सीक्रेट एडमायरर, ओ पाइल नंबर टू. तो कोई यहाँ चाहने वाला भी है आपके लिए. ओके कोई चाहने वाला, कोई पसंद करने वाला भी है आपके लिए. मुझे ये कोई ऐसा यू नो ऐसी ऊर्जा नहीं लग रही कि जो बहुत ही जैसे कह लो कि एकदम से दिल निकाल के दे दिया, नहीं. स्वीट एनर्जी है जो जैसे दोस्ती से कोई चीज़ शुरू होती है ना, कोई रिश्ता शुरू होता है, वो है यहाँ पर. एक स्वीट इनोसेंट एनर्जी है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर.
गेट बैक टू द बेसिक्स, सिंपल रखो चीज़ों को, चीज़ों को सिंपल रखना है, चीज़ों को ज़्यादा ऐसे तामझाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं करनी। तामझाम में जितना पढ़ जाओगे उतना ही प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दोगे और फिर कहोगे कि मुझे करना ही नहीं है काम को। तो सिंपल रखो ताकि काम को कंप्लीट कर सको। ओके, टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सी, आप अगर किसी को अपना सीक्रेट बता रहे हो तो पहले तो सीक्रेट को बताना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर गलती से बता दिया है यहाँ पर, यू नो, तो उसके जो उससे फियर आता है ना कभी कभी मन में कि हाँ बता दिया है मैंने, पता नहीं वो कहीं आगे ना बता दे, उस फियर को सरेंडर कर दो, क्योंकि नहीं करोगे तो फियर मैनिफेस्ट हो सकता है इस मंथ में। ओके, बता दिया है अगर किसी को अपना कोई सीक्रेट, घर का या अपना, तो अब उस फियर को रिलीज कर दो, क्योंकि फियर मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए। You will receive a gift. Pile number two. आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस मंथ में। और ये थोड़ा दूर से आता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि दूर से आएगा थोड़ा सा ये गिफ्ट आपके लिए। Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Decisions को pending मत करना, decisions को pending नहीं रखना है इस मंथ में। जो decision ले सकते हो, जिसको लगता है कि यार मैं इसके लिए ready हूँ, ले लो, उसके regarding action ले लो। अगर कहीं लगे कि हाँ इसके लिए मुझे और समय लेना है, वो समय ले सकते हो, लेकिन जिस डिसीजन को लेने के लिए रेडी हो उस पर यू नो वेट नहीं करना। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई गुमराह करने की, या फिर आपको कोई, आप एक डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा डिसीजन लेने के लिए आपको कोई कह सकता है, लेकिन टेम्पटेशंस पे नहीं जाना, अपने आप की ही सुनना है। तभी आपके लिए यहाँ पर है कि थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ो। ओके, ऑल राइट, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर टू के लिए। आई डोंट नो व्हाई मेरा आपको आई लव यू कहने का मन हो रहा है, मुझे लिटरली ये चैनल हुआ आई लव यू पाइल नंबर टू। शायद किसी को मुझसे आई लव यू सुनने की जरूरत है शायद, सो आई लव यू पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन के लिए ना पाइन एप्पल फ्रूट आ रहा था, आपके लिए बनाना आ रहा है। वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसिस को लेकर जो भी स्ट्रगल है, फाइनेंसिस को लेकर जो भी आपको लगता है कि यार पैसा पूरा नहीं पड़ता, पैसा कम है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्पररी है। पॉसिबल है ये जुलाई के महीने में भी रहे, लेकिन ये टेम्पररी है। ओके, इसको जितना टेम्पररी देखोगे तो उतना ही जल्दी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में पहुंचोगे। जितना इसको भयंकर रूप में देखोगे कि नहीं ये तो हमेशा के लिए ऐसे रहेगा, उतना ही फिर इसमें स्टक रहोगे। इस कार्ड की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि चलते बढ़ो, आगे आगे बढ़ते हो, कि अगला कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का है, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, सो मनी प्रॉब्लम्स को टेम्पररी सिचुएशन के रूप में देखना है आपको। नाइन ऑफ कप्स, ओ माई गॉश, लिटरली आपको कहा जा रहा है लिटरली आप इस मंथ में पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो अगर फाइव ऑफ पेंटिकल्स मनी इश्यूज हैं, तो उस हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, पैसा ही मैनिफेस्ट करना चाहेंगे ना, हैप्पी मनी, तो करो उसको। इस मंथ में कुछ मांगना है, प्रेयर्स करनी है, इस मंथ में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, मनी को मैनिफेस्ट करो। और जितना अंक में करोगे उतना, मतलब जितना अंक में उसको मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, उसमें आप डेफिनेटली उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये लिटरली मुराद पूरी हो जाना, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है ये। ओके, सो मनी 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 पाइल नंबर टू, मनी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, डरो मत, मुझे ये मैसेज मिला, डरो मत। आपकी तरफ जो आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा ही हो, कि सिक्स वॉन्ट्स की एनर्जी है। इस मंथ में आपको दिखने का भी यू नो आपका कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि नो 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 नो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं दिखना, मुझे कुछ नहीं करना, तो वो एनर्जी को अब छोड़ दो। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्स आना चाहती है आपकी तरफ, रिकग्निशन आना चाहती है। जितना दिखोगे उतना आपको रिकग्निशन, उतनी प्रमोशन, उतनी तरक्की होगी आपकी। ओके, सो ये वॉन्स को छोड़ दो।
एटलीस्ट थोड़ा कंसिडर तो करो, अगर इसको वेलकम भी अभी एकदम से दरवाज़ा भी नहीं खोलना है, एटलीस्ट इस वॉन्ड को, ये ब्लॉक करने वाली वॉन्ड को साइड पे रख के कहो कि ओके चलो बात को तो करके देखूं। तो अगर ये जो दिखने वाला जो मैं मैसेज दे रही हूँ आपको, इसको कंसिडर तो करके देखो कि मैं किस चीज़ के लिए छुप रहा हूँ, वो कौन सी रीज़न है जिसके लिए मैं खुद को छुपा के रखता हूँ, क्या मैं उस रीज़न के रिगार्डिंग उसको ठीक करके क्या फिर मैं दिख सकता हूँ। तो ये आने वाले मंथ्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी मंथ में आपको एकदम से चेंज होने की ज़रूरत है। इस जो कॉन्शियसनेस कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस में इसको अगर आप स्पेस दे सकते हैं, उसे कंसीडर तो करो थोड़ा सा। आप बने एक्चुअल में लीडरशिप रोल के लिए हो, आप बने एक्चुअल में लोगों को दिखने की, हाँ आपसे लोग इंस्पायर हो गए कि यार ये ऐसे कपड़े पहनता है, मेरे को भी ऐसे, यू नो इसके इसका साइन ऐसे है तो ऐसे साइन मैं भी करके देखूँ, इनका बोलने का ढंग ऐसा है तो मैं भी ऐसे बोल के देखो, ऐसे एडमायरर्स हैं आपके, समझ रहे हो आप मेरी बात को, फैंस हैं आपके, आप बने हो फैंस बनाने के लिए, ओके आप वो एनर्जी में हो, तो इसको ब्लॉक मत करो, इसको प्लीज ब्लॉक मत करो, यहां पर एटलीस्ट कंसिडर करो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबल ये भी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत लो वाइब्रेशन लोगों में बैठे रहते हो, आपकी संगति बुरी हो सकती है। पायल नंबर टू, बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन आपकी संगति बुरी हो सकती है। छोटी सोच में अगर जब हम बैठते हैं तो हम बड़ा नहीं सोच सकते, फिर चाहे हमारी पोटेंशियल बड़ी सोचने की क्यों ना हो, लेकिन संगति जो है वो हमसे छोटी छोटी सोच ही उस सोचने में हमें लेकर जाती है, तो वो मत करो, अपनी संगति बदल लो, संगति बदलो अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ओके okay? इस संगति बदलने से क्या होगा, पायल नंबर टू के लिए अगर ये संगति बदलते हैं तब क्या होगा, अरे कहाँ फंसे पड़े हो ये पायल नंबर टू वाले, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों में, क्या कंपटीशन देख रहे हो सामने वाले को, आपका है ही नहीं कोई कंपटीशन। एम्परर एक है टैरो में, ये लोग आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्ड में दिख जाएंगे, लेकिन एम्परर एक है मेरी जान, कहां फंसे हुए हो, मुझे ये समझ में आया, ये कहां फंसा हुआ है पायल नंबर टू, और क्यों फंसा हुआ है, किससे कंपीट कर रहे हो, या क्यों अपने माइंड में ऐसी चीजें रखते हो कि यार वो मेरे से कंपीट कर रहा है, वो कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, आप अपने ऊपर ध्यान लो, आप एक ही हो मास्टरपीस, आपके जैसा कोई और नहीं बन सकता, ये कार्ड बेसिकली ये बोल रहा है हमको, ओके सो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लिसन, निकल जाओ इससे, इससे निकलोगे तो ये बन पाओगे जो आप हो, पायल नंबर टू ये हो आप, एक ही है बस एम्परर, बहुत बड़े बिजनेस मैन वुमेन बन सकते हैं पायल नंबर टू वाले, ओके जुलाई मंथ में इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर हो सकता है कि एक स्पेस बने जहाँ पर कोई मौका मिले या कोई आइडिया चैनल हो जाए कि यार मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, ओके या वी हैव द जस्टिस कम ऑन, या आई बिलीव ये कहीं ना कहीं मेरा पायल भी है क्योंकि मेरा सन साइन लीब्रा है और जस्टिस लीब्रा का कार्ड है, तो शायद मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मैसेजेस हैं यहाँ पर, मुझे भी चेक करना होगा कि अगर मैं किसी के साथ कंपीट कर रही हूँ या कोई मेरे साथ अगर कंपीट कर रहा है उससे मैं बॉदर हो रही हूँ, तो यस मैं भी इस चीज़ पर ध्यान दूंगी। सो जस्टिस, जस्टिस यू नो मेजर आर्काना जस्टिस बैलेंस, जो जैसा करे वो वैसा भरे, बेसिकली वो ऊर्जा है यहाँ पर, जो जैसा करे वो वैसा भरे, सिंपल मैसेज। तो गुड कर्मा है तो गुड कर्मा, बैड कर्मा है तो फिर उसमें तो मैं आपको यही कहूंगी ना कि बैड कर्मा का रिजल्ट बैड ही होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये मंथ भी आपको रिवील करेगा कि भाई आपका कर्मा है कैसा। अगर ब्लेसिंग्स आ रही है विच मीन्स कि आपका गुड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, अगर मान लीजिए कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ तो वो भी एक संकेत है कि कहीं ना कुछ कर्म आपको करेक्ट करने की जरूरत है। चीजें रिवील करने को होती हैं, ईश्वर हमारे दुश्मन नहीं, ये जितने भी लॉ हैं ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमें हमारे बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। सो सस्पेंस भी है यहाँ पर, ओके सस्पेंस भी है यहाँ पर। फोर ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन करो, सिंपल मैसेज है इस कार्ड का, मैं इसको ज़रा घुमाना नहीं चाहूँगी, ओके फोर ऑफ सोर्ड्स माने कि मेडिटेशन करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करो और रिजल्ट्स देखो, क्योंकि मेडिटेशन का रिजल्ट है इस कार्ड में, तो लिटरली है कि जितना सरेंडर करोगे, जितना मेडिटेट करोगे थ्री ऑफ सोर्ड्स से, उतना ही पीछा छूटेगा भाई आपका।
टू ऑफ पेंटिकल्स। दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनो, और अगर इस काम में थोड़े कच्चे हो तो फिर तो करनी ही करनी है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करके भी ये पायल अगर दिल की बातों में ज़्यादा आ जाता है, प्रैक्टिकल नहीं रहते हो आप, तो उस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल सकते हो, वो आदत भी, वो पैटर्न भी आपका छूट सकता है, उसमें भी बैलेंस आ सकता है। ओके, तीन आए हैं तो नो, दो ही आए हैं। ओके, मुझे लगा तीन। ओह, चैरियट, सक्सेस। इस मंथ के एंड तक आपको लगेगा कि ये सक्सेसफुल मंथ था, 2023 का अब तक का सबसे सक्सेसफुल मंथ था। ओके, इसमें सक्सेस है आपके लिए, ये कार्ड हारता नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पायल इस मंथ में किसी जर्नी पर निकलने वाला है। ये मतलब ट्रैवल वाली जर्नी नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात कर रही हूँ। ये बैलेंस की तलाश में, खुद को टटोलने की तलाश में, मैं क्या हूँ, यू नो, तो एक जर्नी पर निकल रहा है ये पायल, और उसमें बहुत सक्सेस है आपके लिए। या जर्नी, द हर्मिट कार्ड, स्पिरिचुअल जर्नी। ये पायल है तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। ये कविता आपको सुननी चाहिए, आई थिंक पिंक मूवी से है ये। ओके, इस मंथ से शुरुआत हो रही है आपकी, आपके बारे में शुरुआत हो रही है। ओके, आप खुद को ढूंढने वाले हो, और आपका जो वर्जन बाहर निकलने वाला है ना, वो सबको हैरान करने वाला है, सबको हैरान करने वाला है। पायल नंबर टू, ये बहुत ही ओल्ड सोल्स का पायल है। ये ऐसे लोगों का पायल है जो जानते हैं बहुत कुछ, और इसको उसका घमंड नहीं करते, लेकिन पता बहुत कुछ है, देख बहुत कुछ पाते हैं। एक होता ना, एक पर्सन बोल रहा है, और जो बोल रहा है, एक तो है कि बस जो बोल रहा है उतना ही पता है। आप हो जो आंखों में उतर कर सोल तक पहुंच पाते हो कि ये है क्या इंसान जो ये बोल रहा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ऐसा है ना कोई गाना एक। तो देखो ये कितना गहरा, ये कितनी गहरी बात है। हंसते हुए चेहरे में अगर कोई गम है तो ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप में है वो कला। एंड आई थिंक इस विजडम को आप अपने ऊपर खर्चने वाले हो। ये बहुत ज़बरदस्त जर्नी होने वाली है पायल नंबर टू आपकी। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। सो वी हैव, मैंने उल्टा पकड़ा है थोड़ा सा, वी हैव अ सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव फेज, जो यहाँ पर हमने बात बोली। ये ऐसी स्पेस नहीं है पायल नंबर टू जिसमें आप बेसिकली बहुत सीरियस हो रहे हैं। ये मत सोचना कि आप सीरियस हो रहे हो, ये वो नहीं है कि आप चुप हो रहे हो, आप सीरियस नहीं, आप सब कुछ करोगे, सब फन वगैरह सब कुछ होगा। इस चीज़ की एक स्पेस आप अपने आप के लिए खर्चोगे, आप कहोगे कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं खुद को कैसे संवारूं, मैं दिखूं कैसे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे दिखने से या अपनी पिक्चर्स क्लिक करने से रोक रही हैं, या लोगों से मिलने से रोक रही हैं, अपनी टैलेंट्स को शो करने से रोक, वो क्या है दिक्कत, मैं करूं क्या उसके बारे में कुछ। ओके, ये शुरू हो रहा है इस मंथ से। सक्सेस आफ्टर सेटबैक, या मास्टर नंबर 33 वीक्स अभी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या 33 दिन भी आने वाले सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस पायल में। लेकिन एक सेटबैक के बाद ये 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर आपने भोगा पिछले महीने में, खास करके सक्सेस है इस महीने में, उसको रिप्लेस कर रही है एनर्जी, सक्सेस है आपके लिए। एन इमोशनल फेज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट, तो फैमिली डोमेस्टिक लाइफ आपकी, उसमें एक डेवलपमेंट है डेफिनेटली। ओके, मुझे यहाँ पर बेसिकली 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ ऐसी विशेस पूरी हो सकती है जिससे कि आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। ओके, बट येस, हैप्पीनेस तो डेफिनेटली महसूस होगी। सर्व योर हायर पर्पस। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद तो किनारे पर पहुंच रहे हो इस मंथ में, लेकिन आप बहुत सारे और लोगों का भी उद्धार कर रहे हो। हायर पर्पस है यहाँ पर, आप बहुत लोगों की भी कह लीजिए अवेकनिंग का रीजन बनोगे पायल नंबर टू। खुद तो हो रहे हो अवेकन आप, लेकिन आपकी वजह से पता नहीं और कितने सैकड़ों लोग हैं जो जागेंगे अपने मिशन को लेके। तो ये कुछ बड़ा है,
ओके ये कुछ बड़ा है यहाँ पर. ब्रिंग पीस टू योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स विल फ्लरिश. लीब्रा की एनर्जी में बोल रही थी ना, यहाँ लीब्रा आया है. खुद के जीवन में पीस लेकर आओ, खुद के जीवन में पीस भरने की कोशिश करो, वो आपके रिलेशनशिप में फिर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो, आपके रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे. अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ये कार्ड कह रहा है वो मत करो, अपने जीवन में शांति ले आओ, आपके रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे. तो रिवर्स कर दो एनर्जी को यहाँ पर. बाय द वे ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, मैं बहुत ध्यान गया मेरा भी. बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस, प्रैक्टिकलिटीज, प्रैक्टिकल रहो पैसे के साथ. ओके बहुत है इस मंथ में. लिटरली फाइव ऑफ पेंटिकल्स के पीछे नीचे नाइन ऑफ कप्स है, तो अच्छी खासी अमाउंट को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. जो मैनिफेस्ट करना है आंकड़ा, उसमें नौ नंबर डालो, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है. इट्स जस्ट की बी प्रैक्टिकल. वो जेन्यून अमाउंट आपके सबकॉन्शियस को लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट लिख दो, और उसमें नौ नंबर डालो, उसको विजुलाइज करो, और फिर देखो यहाँ पर मनी मैनिफेस्ट हो गई. स्टार सीड है इस पाइल में, आपका स्टार सीड ऑरिजन आपको दिख सकता है, पता चल सकता है कि आप किस स्टार सीड सिस्टम से हो. रिजुविनेशन, पता नहीं यार आप हल्के हो रहे हो मेरे को ना, आप बहुत ऐसे लाइट एनर्जी में दिख रहे हो, फेदर की तरह बन रहे हो आप. आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ में. बाय द वे पाइल नंबर टू, एलियंस तो नहीं है इस पाइल में. स्टार सीड आ गया, सेलेस्टियल आ गया इस पे, तो मुझे एलियन ही लग रहे हैं इस पाइल में कुछ लोग. सी आई बिलीव ये जो शब्द हैं इनका एक महत्व है, राइट. हंसी मजाक वाली बात तो चलो हो गई, लेकिन सी ये एक बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाते हैं कि ये पायल में डेफिनेटली नॉर्मल या एवरेज लोग नहीं हैं. और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि एवरेज या नॉर्मल लोग अच्छे नहीं होते, उनका भी एक पर्पस है, उनकी भी एक स्पेस है, यू नो, हर इंसान की ज़रूरत है धरती पर. इस चीज़ की मैं फिर से आपको सिंपली बता रही हूँ कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं. इसको घमंड को फीड करने को हम ये बातें नहीं बोलते. कभी कभी ये बातें याद दिलाना इस वजह से ज़रूरी है ताकि अगर हम खुद को खो रहे हैं, यू नो, इस माया जाल में, तो हम फिर से याद खुद को दिलाएं और कहें कि नहीं, यू नो, मैं अलग हूँ, मेरा पर्पस है एक, और उसके नाते मुझे गिवअप नहीं करना, यू नो. सो यस, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है. ये पायल बहुत अलग है. वर्दी या जायज़, जो जायज़ है वो मिलेगा आपको. हालांकि वर्दी का इंग्लिश में मतलब वो नहीं होता, लेकिन मुझे चैनल ये हुआ कि जो जायज़ है वो आपको मिलेगा. अ सिंसियर विश, जैसे ये भी एक मैसेज है यहाँ पर. रिटर्न ऑफ स्पिरिट, कुछ वापस लौट रहा है जो आपके हिस्से का है. कोई खुशी आपकी, या फिर कह लीजिए कोई अच्छे दिन जो आपने पास्ट में देखे लेकिन फिर चले गए, वो वापस लौट रहे हैं या उसका आगाज़ हो रहा है. ये बिगनिंग है आपकी बहुत बड़ी, कंप्लीशन के साथ बिगनिंग भी होती है, तो बहुत बड़ी बिगनिंग है इस मंथ से, इस पाल के लिए. थोड़ी सी और कार्ड्स, मैं पाइल नंबर वन में बोल रही थी कि रोकने वाला तो कोई है नहीं, राइट. तो थोड़ी सी कार्ड्स और ले लेते हैं. थैंक यू. लव पाइल नंबर टू, लव लव लव. मैंने बोला ना, चूज लव, हेट को नहीं चूज. प्यार पैशनेट हो जाए चलता है, लेकिन यू नो नफरत नहीं होनी चाहिए. ओके ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस. वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, काम के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस मिल रही है आपको, अचीवमेंट मिल रही है आपको. प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी घर में नई चीज़ें आ सकती हैं. ओके ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, एक नई जर्नी है आपके लिए, लेकिन उस जर्नी के पार जो है वो सूरज है आपके लिए यहाँ पर बेसिकली. तो स्पिरिचुअल जर्नी डेफिनेटली शुरू होगी इस पाइल की. वेल्थ, सोना भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, या फिर ओवरऑल इस चीज़ की आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो सकता है. ओके
हमारे पास है कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, या बटरफ्लाई बनने का सफर है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए. क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, देर आए दुरुस्त आए, आप बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ. ओके, ये मैं फिर से कह दूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मंथ की है, ये थोड़ा जर्नी चलेगी इस पाइल की. फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन से बचना, फ्रस्ट्रेशन हेट को जन्म देगी. अगर कोई फ्रस्ट्रेशन आप फ्रस्ट्रेशन दे रहा है आपको, समझ लो कि उस पर्सन से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. ओके, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन कब हेट में बदलगी पता नहीं चलेगा. पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, मैं इससे क्लियर रीडिंग नहीं दे सकती आपको. आपका मैंने क्लैरिफाई किया था फाइव ऑफ वॉन्स का, कि अगर ये छोड़ दे करना पायल तो फिर क्या है इस पायल के लिए. तो आपके लिए कार्ड क्या आया था, एम्परर. मैंने क्या बोला था, टैरो में सिर्फ एक एम्परर है, ये बहुत दिख जाएंगे आपको. लास्ट कार्ड देखो आपका, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. ये पायल बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत तगड़ा बिजनेस करने को बना है. आपके बिजनेस की जैसे ज़रूरत है, आप जैसे एक खुद में एक स्टाइल हो पायल नंबर टू. आप खुद में ना एक किस्म का कह लीजिए कि ट्रेंड सेट करने वाले लोगों में से हो आप कॉन्शियसनेस को टारगेट करते हो सीधा. ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ब्लूप्रिंट्स रेडी करते हो, या फिर बिलीफ सिस्टम रेडी होता है आपकी वजह से. आप कहीं ना कहीं स्टार सीड्स में भी ऐसे ही स्टार ओरिजिन से हो सकते हो, जिनका धरती पर आने का उद्देश्य यही है कि सीधा माइंड को टारगेट करके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फीड की जाए ह्यूमंस के माइंड में. सो दिस इज अमेजिंग. सोए क्यों हुए हो यहाँ पर, ये क्या गलती कर रहे हो यहाँ पे, स्टॉप इट. ऑलराइट, सो आई बिलीव ये आपकी रीडिंग है. होपफुली आपको इससे मैसेजेस मिले होंगे, गाइडेंस मिली होंगी. प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हो कि हाँ भाई अच्छी दिशा में काम चल रहा है. यू नो, और भी हिम्मत मिलती है. ट्रस्ट में जितना लाइक ज़्यादा होता है ना जिस रीडिंग पे, जिस भी मेरी रीडिंग पे लाइक ज़्यादा, उससे मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं नेक्स्ट रीडिंग में और भी सुंदर डेक लूँ, या फिर मैं और भी अच्छे से लॉन्ग रीडिंग्स करूँ. यू नो, सो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने के लिए और मेरी ग्रोथ के लिए, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, मैं यहाँ पर ये भी याद दिला दूँ आपको कि मेरी नई वर्कशॉप आई एम होम वर्कशॉप जो है वो 9 जुलाई से शुरू हो रही है. बॉडी पॉजिटिविटी और वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है ये. तो यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऐसी जर्नी पर निकलना चाहते हैं. आपके लिए तो लिटरली ये जर्नी आई है. तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप दिखना नहीं चाहते, यू नो. सो यस, अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो हम साथ में काम करेंगे और बहुत मज़ा आएगा हम, यू नो, आप मुझे आपके साथ काम करके, एंड होपफुली आपको मेरे साथ काम करके. सो यस, आपका स्वागत है, मुझे ज्वाइन कीजिए. डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihiltarot@gmail.com पर. ओके, अगेन सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. ऑलराइट, पायल नंबर टू, मेरे प्यारे प्यारे पायल नंबर टू, मेरे शानदार पायल नंबर टू. आई मीन ये कुछ और है पायल, ये कुछ और है, ये कुछ और है, बस मैं यही कहूँगी. ओके, चलो मैं एंड करती हूँ. ओके, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करना, मिलते हैं जल्दी से. ओके, टेक केयर, बाय. हाय पायल थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग. तो आपने यहाँ पर चूज़ किया है एस ऑफ कप्स के कार्ड को, बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड. खास करके हार्ट स्पेस, रिलेशनशिप्स, दोस्ती, यारी, यू नो, किन लोगों के साथ हम बेसिकली दिल से कनेक्ट होते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से कनेक्ट होते हैं, यू नो, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिन रिश्तों में, बेसिकली यू नो ऐसी स्पेस है ये आपकी. इस मंथ में विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी पायल नंबर थ्री, मुझे सबसे पहले तो ना आपका आपके साफ सफाई दिख रही है आपके फाइव सेंसेस की. आपकी आंखों में, अगर मान लीजिए आपकी आंखों ने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जिसमें बहुत गंदगी थी, चाहे वो दुख की, यू नो, सफरिंग की स्पेस से आ रही हो, या आपने कोई ऐसी नाजायज चीज़ें देख ली जो शायद आपको नहीं देखनी चाहिए थी और उसका ट्रॉमा बैठ गया,
तो आंखों की सफाई है, आपकी आंखें यहाँ पर हीलिंग रिसीव कर रही हैं, ठंडापन आ रहा है, ओके। कानों में अगर किसी ने गंदी बातें बोल दी, गालियाँ दी आपको, या आपको आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट करने की कोशिश की, चाहे फिर वो बचपन की ही कोई कहानी क्यों ना हो, तो आपके कान साफ हो रहे हैं। जो भी गंदगी आपके फाइव सेंसेस में बैठी है, मुँह में है, अगर आपको इतना मजबूर कर दिया किसी ने कि आपके मुंह से गंदी बातें निकल गई, तो मुंह में अगर गंदगी बैठी थी तो मुझे उसकी साफ सफाई दिख रही है। फाइव सेंसेस आपके यहाँ पर ब्लेस हो रहे हैं, ओके। और ये कर कौन रहा है? ये कोई इंसान नहीं कर रहा, ये परमात्मा कर रहे हैं आपके लिए। ये जो ईश्वरीय ऊर्जा है, आप उसे माँ के रूप में देखें, पिता के रूप में देखें, भाई बंधु के रूप, जिस भी रूप में आप गॉड गॉडेस जिस भी रूप में वो सोर्स एनर्जी को आप देखते हो ना, वो ब्लेस कर रहे हैं आपको। तो ये ब्लेसिंग इंसान की नहीं है, किसी इंसान ने से नहीं मिल रही, ये परमात्मा से मिल रही है आपको, ओके। तो यस, आई बिलीव मिरेकल्स हैं इस पाल के लिए। मैं ये शब्द से आपको आपका पहला मैसेज देना चाहूँगी, मिरेकल्स हैं। कुछ असंभव चीज़ें संभव दिखेंगी आपको, ओके। इसकी शुरुआत हो सकता है कि दूसरे लोगों से हो, कि आप दूसरे लोगों की लाइफ में मिरेकल्स देखना शुरू कर दो, कि उसकी लाइफ में ये हो गया, उसकी लाइफ में ये हो गया, अरे उसका अभी तक तो बच्चा नहीं हो रहा था लेकिन अब वो भगवान ने उसको ब्लेस कर दिया प्रेगनेंसी के साथ, यू नो। आप लोगों की लाइफ में ना मिरेकल्स देखने लगोगे, और वो आपके लिए संकेत होगा कि आपका मिरेकल आने वाला है, आपका मिरेकल आने वाला है। एंजल नंबर 11111 मुझे स्पिरिट बता रहे हैं कि आपका साइन है कि आपका मिरेकल आने वाला है। घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़ साइन है कि इस पाल के लिए मिरेकल आने वाला है। बारिश पड़ने के बाद अगर आपको मिट्टी की सुगंध आए, सभी को नहीं आती, सभी को नहीं आती, ओके, अगर आने लग जाए तो समझ लो कि आपका मिरेकल आने वाला है, ओके। पॉसिबल है कि इस मंथ में आपको अगरबत्ती होल्डर ऐसा दिख जाए कहीं कि आप बोले कि नहीं मेरे को तो लेना ही लेना है। अगरबत्ती बहुत आपको अट्रैक्ट कर सकती है, ओके। पवित्र धुआं, बेसिकली पवित्र धुआं, लोटस फ्लावर या कमल शब्द भी इस पाइल के लिए साइन है कि आपकी ब्लेसिंग, आपका मिरेकल आने वाला है। ये पाइल टैरो सीखना भी चाहता है, मुझे डेफिनेटली इस पाइल में ऐसे लोग दिख रहे हैं जो टैरो सीखना चाहते हैं। आपकी टैरो सीखने की ख्वाहिश भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, विद इन 2 months या 1 या 2 महीने के अंदर आपकी ये विश पूरी होने वाली है, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोग अपनी किताब लिखना चाहते हैं, आपको कहा जा रहा है आपको लिखनी चाहिए। अभी आपके पास उस किताब का जितना भी कंटेंट है उसमें वो इजाफा करेंगे, उसमें ऐड होगा, उसमें होली स्पिरिट और कंटेंट ऐड करेगी, विच मीन्स कि अगर आपने लिखना शुरू किया आपको बहुत चैनलिंग होगी। पाइल नंबर थ्री, बहुत चैनलिंग होगी इस पाइल को, लिखना शुरू कर दो, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस, ये सारे चैनल मैसेजेस हैं मेरी जान, सारे के सारे। सो लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ, थोड़ा बड़ा डेक होता है ना तो मैं इसको थोड़ा काट लेती हूँ ऐसे। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Gajanan, Ganesha ki energy, जो कि नई शुरुआत को दर्शाते हैं, और आपके लिए Ace of Cups ही है, जो literally new beginnings का card है। Aces tarot में new beginnings हैं। पता है मुझे वो क्या message दे रहे हैं? बहुत ही प्यारा और बहुत ही गहरा message है। Pile number 3 आपके लिए। वो मुझे बता रहे हैं कि आप एक ऐसे एंसेस्टर के रूप में जाने जाओगे आने वाले समय में, जहाँ पर आपकी आने वाली जनरेशंस आपको एक वाइज एंसेस्टर के रूप में देखेगी। कि यू नो, जब आपकी बातें होंगी, जाना तो सभी ने है एक दिन, है ना, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आपको याद कैसे किया जाएगा। आपको याद ऐसे किया जाएगा कि हमारा ये एंसेस्टर हमारे जो थे ये वाइज थे बहुत। तो आपकी जर्नी जो होने वाली है इस लाइफ टाइम में, वो बहुत विजडम गेन करोगे उसमें। आपको ऐसी ही चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगी, ऐसी किताबें अट्रैक्ट करेंगी, ऐसी वीडियोस अट्रैक्ट करेंगी, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ऐसे टूल्स में आपकी दिलचस्पी होगी जिसमें बहुत सारी विजडम है, ओके। ये कार्ड का इस मंथ में आना बेसिकली इस बात का संकेत है कि वो जर्नी जो है वो इस मंथ से शुरू हो रही है, एक वाइज एंसेस्टर बनने की जो जर्नी है आपकी। तो अब से
इस मंथ से इस पाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज को, विजडम को चूज करना, विद्या को चूज करना। माँ सरस्वती की पूजा करने शुरू कर दो। ओके, माँ सरस्वती की आराधना करो, माँ के साथ जुड़ो, क्योंकि आपका पाथ, आपके पाथ में बेसिकली वो स्पिरिट गाइड आपको लगेंगे। मेरे पाथ में मुझे लगे हैं, मैं उनका उनकी आराधना करती हूँ, भक्ति करती हूँ मैं माँ सरस्वती की, तो वो मेरी मदद करते हैं। आपके लिए भी वही आ रहे हैं यहाँ पर। गुड लक, जर्नी का आरंभ हो, गुड लक मिल गया आपको। बोलते ना, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, तुम्हारा मंगल हो, वो हो गया यहाँ से। हमारे पास है टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि शुरुआत में कोई किसी चीज़ की, अगर आप इस मंथ में शुरुआत करो तो शुरुआत थोड़ी ढीली हो, खास करके कन्फ्यूजन हो सकती है कि समझ नहीं आ रहा ये करूँ या वो करूँ। आपको कहा जा रहा है वो सिर्फ टेम्प्ररी है, उसको ऐसे जी का जंजाल बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इस मंथ में कुछ शुरुआत आपकी किसी काम को लेकर ढीली हो सकती है। लाइट हार्टेड, केयर फ्री एनर्जी, केयर फ्री टाइम, मैंने वही कहा आपको जो पहले, बेसिकली सिंपल रखना चीज़ों को, ज़्यादा उसको जी का जंजाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम अटक जाए, तो ऐसा घबरा नहीं जाना कि पता नहीं अब ये क्या हो गया, कोई नहीं, ये भी बला टल जाएगी, इतने हो गए तो ये क्या चीज़ है। ओके, इस गुड लक को याद रखना। फैमिली मैटर्स, ओके, फैमिली सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ में। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, फैमिली में हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो जैसे जैसा होना नहीं चाहिए, वैसे तो फैमिली में मेंबर ऐसे, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये ऐसे अनफॉर्चुनेट तो होगा, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फैमिली मेंबर ऐसा है, तो फैमिली का कोई बंदा एक्सपोज हो सकता है इस मंथ में। ओके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पता नहीं मुझे एक मैसेज मिला यहाँ से, वेट, वो मुझे कह रहे हैं कि ये वो पर्सन है जिसे, एस्केलेटर या एलिवेटर से डर लगता है, या ऐसे हाइट से डर लगता है, मॉल में ये अक्सर सिर्फ सीढ़ियाँ ही लेना पसंद करता है। पता नहीं कि इस पर्सन के बारे में ये डिटेल आ रही है यहाँ पर, पाइल नंबर 3। ओके, एनीवेज, वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या आई थिंक इस फाइल का, इस कार्ड से जो बेसिकली मेन मैसेज है वो यही है कि आपको चीज़ें ना समझ में आएंगी, चाहे कन्फ्यूजन भी है ना, वो टेम्प्ररी इस वजह से क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ समझ में आ रही है। ओके, तो चीज़ें समझ में, पकड़ में आएंगी आपके इस मंथ में, एंड आई थिंक वो भी चीज़ आपको बहुत विजडम से जुड़ेगी। न्यू जॉब एंड करियर, नई जॉब भी हो सकती है भाई आपकी, नई जॉब है, नया करियर है इस पाल के लिए। ऑल राइट, मैं यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ। पाइल नंबर 3, किंग ऑफ कप्स। आपके पापा से आपको बहुत प्यार मिलेगा, फादर से आपको बहुत प्यार मिलेगा। आप अपने फादर के कुछ बिहेवियर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो इस मंथ में। आई फील लाइक कि आपके फादर एक्चुअल में इमोशनली ही इज़ वेरी वाइज, यू नो, इमोशनली ही इज़ वेरी बैलेंस्ड, ही इज़ वेरी वाइज। अगर वो तारा भी बन गए हैं इन केस, आई थिंक आपके फादर के कैरेक्टर के ये खूबियाँ रही होंगी, इमोशनली वो चीज़ों को समझते होंगे। यू नो, अगर जो चीज़ बोली नहीं गई वो पकड़ ली कि हाँ बोली तो नहीं गई है चीज़, लेकिन सुन ली उन्होंने कैसे, कहीं ना कहीं आई थिंक आप अपने फादर के कुछ बिहेवियर्स को यहाँ पर अडॉप्ट करके नेविगेट करोगे इस मंथ में। आपके फादर की छवि बेसिकली आपको हेल्प कर सकती है इस मंथ में। वो जैसे थे, वो जिस तरीके से जो अप्रोच अपनाते थे, वो अप्रोच इस मंथ में आपकी हेल्प कर सकती है। पाइल नंबर 3, दिस इज़ गुड। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ योर ब्लेसिंग। टावर है यहाँ पर, टावर क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, वी हैव द जजमेंट। टावर इस वजह से है क्योंकि टावर के बिना कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब तक टावर एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है टैरो में, और इसको बुरे नजर से देखना तो पहले तो बंद करो। ये कोई बुरा कार्ड नहीं है, टफ जरूर है लेकिन बुरा नहीं है, दोनों शब्दों में अंतर होता है। ओके,
ये एक सिंपली दो सेट, ये जो दो कार्ड है ये मुझे यही बता रहे हैं कि देखो बिना टावर के कुछ चीजें समझ में नहीं आती, बिना साउंड के कुछ चीजें कभी कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हर बात खामोशी से समझी जा सके, कभी कभी शोर इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यस, कुछ यहां पर चीजें इस मंथ में शोर से भरी हुई जरूर होंगी, या फिर कह लीजिए एकदम से ऐसे हिल जाए वही इंसान, यू नो, वैसी होंगी, लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक वो चीज़ पता नहीं चलेगी, तब तक मुक्ति नहीं है बेसिकली, जजमेंट कार्ड ये कह रहा है। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल भी आ रहे हैं आपके लिए, आर्कएंजल गैब्रियल पहला मैसेज तो वो आपको यही दे रहे हैं कि स्टे पॉजिटिव, ओके, आउटकम्स को लेके पॉजिटिव रहो, और अगर कुछ टावर में ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको लगे कि ओ माय गॉड ये क्या था, ये शॉकिंग सरप्राइज क्या मिल गया मेरे को, तो वो उसमें भी कह रहे हैं अच्छा ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, ये अच्छे के लिए हो रहा है यहाँ पर। आपके एक मैसेज मुझे यहाँ पर हेवन की तरह, हेवन की एनर्जी से मिल रहा है। आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स, और अगर आपके कोई छोटा बच्चा भी घर से मतलब गया है, अगर छोटी उम्र में गया है, उसकी भी ऊर्जा, ये फर बेबीज भी हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं इस एनर्जी में, कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, वो आपको, आपके लिए बहुत खुश हैं। ये मैसेज मुझे हेवन से मिल रहा है आपके लिए। तो जो लोग भी आपके दिल के करीब थे और जो तारा बन गए, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और वो आपके लिए बहुत खुश हैं। ओके, तो जिसके लिए ये मैसेज है, गॉड ब्लेस यू। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इंटरनेशनल ट्रैवल है इस पाल के लिए, या तो करोगे या फिर इस मंथ से पेपर वर्क शुरू होगा आपका। ओके, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल है। फाइव ऑफ वॉन्स है आपके लिए, और पॉसिबिलिटी यही है कि इस ट्रैवल के लिए घर में हो सकता है कुछ लोग माने, कुछ लोग ना माने। ओके, कुछ लोग इसके हक में हों, कुछ लोग ना हों, बट यस, एट द एंड ऑफ द डे आप 5 से 6 में ही जा रहे हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव कि अगर यहाँ पर वर्क स्पेस में भी किसी किस्म का ड्रामा, कला कलेश, या गॉसिप, जेलसी, बिना बात की, बेफिजूल की है अगर, तो उससे भी यहाँ पर आगे आप बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे को पीस चाहिए। ओके, अगर उसके लिए मुझे जॉब भी चेंज करनी पड़े तो ठीक है, लेकिन मेरे को पीस चाहिए। आप चूज कर रहे हो पीस और हैप्पीनेस को, तो करियर में भी चेंज आ सकता है यहाँ पर। वर्ल्ड कार्ड है, वाओ, एंड जस्टिस कार्ड। कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं इस मंथ में आपके पाइल नंबर 3। ओके, किसी के साथ कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसमें हम एक ही किस्म की चीज़ें बोल रहे हैं। एक होता है ना रिलेशनशिप में, कभी कभी कपल एक ही बात पे बस सालों साल लड़ रहे हैं, एक ही बात नहीं बदली, बात भी वही है, रोज वही बात, तो वो कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर। सेम पंगा, सेम लड़ाई, सेम झगड़ा, सेम लेसन्स, और वही चल रहे हैं, लेकिन उसकी कंप्लीशन है, कोई फाइनली क्लिक कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से हो रही थी, अच्छा उसमें ये लेसन था। लेसन जब तक हम नहीं पकड़ते तब तक यू नो साइकिल्स कंप्लीट नहीं होते। आई नो ये बात बहुत क्लीशे से लगती है सुनने में और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन आपको पसंद हो या ना हो वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे तो जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, और ये यूनिवर्सल सत्य भी है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि किसी साइकिल को अगर कंप्लीट करना है तो उसके लेसन को पकड़ो, वो हो जाएगा कंप्लीट। और कभी कभी तो लेसन यही होता है कि मैंने लेसन ऑलरेडी सीख लिया है, कभी कभी लोग इसमें भी स्टक हो जाते हैं, लेसन सीख लिया होता है लेकिन उसको एक्सेप्टेंस में नहीं आते, तो कभी कभी लेसन यही है। आई बिलीव कि ये टावर से शायद यही पंगा चल रहा है इस पाल के लिए, सीख लिया है लेसन लेकिन खुद नहीं कबूल कर रहे कि हाँ सीख लिया, या फिर उस लेसन को अप्लाई नहीं कर रहे हो। कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कार्मिक अकाउंट्स में कि लेसन जो सीख लिया है अब उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बार बार आपके सामने आता रहेगा, वही रिपीट होता रहेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको एक रिमाइंडर के रूप में आपको दिखा रहे होते हैं कि तुम लगा नहीं रहे हो, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली लगाओ, तो देखो ये क्या है। लेकिन यहां पर मुझे कंप्लीशन दिख रही है आपकी,
शादी की बात भी पक्की हो सकती है अगर इस पाल में कुछ शादी के लायक लोग हैं, ओके, या डेथ कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है। क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ा सुकून, क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ा चेंज है स्पाइल के लिए। अब जिस ढंग से चीज़ें को करते हो, अगेन आपकी अप्रोच चेंज हो रही है, ओके, एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, मनी में भी है। मुझे आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, मनी में पैसा बढ़ रहा है इस पाल का। आपको बेटर सैलरी का पैकेज भी मिल सकता है पाइल नंबर थ्री, ओके। थोड़े से कार्ड्स और देख लें। ओ, एक ना मैसेज ये भी है पाइल नंबर थ्री। अगर ये पाइल ऐसे लोगों का भी है जिसमें लोग कहते हैं कि यार हम तो देते रहते हैं नाज, हमको मिलता कुछ नहीं है सामने वाले से, सामने वाला बस निचोड़ता ही रहता है हमको, इसमें आप चेंज देखोगे। एक आपको एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे, जिन लोगों से आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता है या मेरे को कुछ दे सकता है गिफ्ट वगैरह, वही देगा, वही सरप्राइज करेगा आपको, ओके। तो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जहाँ पर आप रिसीव नहीं करते हो ना, उसमें एक चेंज है यहाँ पर। चूज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज केयरफुली, वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को यस कहो जिनको आप बेसिकली निभा सकते हो, उन प्रोमिसज में यस कहो जिसको वो निभा सकते हो। ड्यूटीज़ वही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही, ऐसे एकदम से यू नो शो ऑफ सा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उतना ही काम लो जितना कर सकते हो। री इवेलुएट सक्सेस, सक्सेस का मायना बदलो। स्पिरिट इज सेइंग सक्सेस का मायना बदलो। यहाँ पर क्या है सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए? कभी कभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी डेफिनेशंस को भी चेक करें, कि क्योंकि वो एक किस्म का बिलीफ सिस्टम ही है कि अगर मेरे लिए सक्सेस की ये फिक्स डेफिनेशन है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन लूँगी, राइट? तो कभी कभी अपनी डेफिनेशंस को चेंज करना कि मेरे लिए सक्सेस क्या है, उसको लिख लो कहीं, हो सकता है कि उससे भी आपका एक्शन जो है चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नई न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है। वी हैव स्टैंड फॉर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यस, ये तो आ ही रहा है टावर एनर्जी। लेकिन जिसे मैंने कहा इसके बिना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस, तो सक्सेस भी है और सेलिब्रेशन भी है, और आपके हिस्से का है ये। बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस, तो करियर के पीछे भी एनर्जी आई थी और करियर में ही हो सकता है कि ये बड़ी सक्सेस भी आपको मिले, ओके? तो मेन हाईलाइट करियर में रहेगी इस पाल के लिए। फियरलेस लियो एनर्जी, बेसिकली ये मैसेज है कि फियरलेस, यू नो, या तो फियर को छोड़ दो, अगर पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते हो तो फियर को कम कर दो। मैं इसको ऐसे रीड करूंगी। डरना है तो ठीक है, डर लो, लेकिन थोड़ा कम डर लो, बेसिकली ये कार्ड ये कह रहा है, ओके। बी फियरलेस, पूरे तरीके से डर नहीं खत्म कर सकते तो एटलीस्ट कुछ चीज़ों का तो डर खत्म कर लो जो आप कर सकते हो, यू नो, ड्राइविंग, स्विमिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जानवरों का डर होता है कभी कभी, अंधेरे का डर होता है, देखो तो किस डर को थोड़ा सा कम कर सकते हो, डर की विंडो को थोड़ा सा कम कर दो, ओके? अब ये है ग्रोथ, बेसिकली ये ग्रोथ का कार्ड है, ऊपर उठने का, बड़ा बनने का कार्ड है ये, ओके? गिफ्टेड, मैं पीछे भी बोल रही थी गिफ्ट मिल सकते हैं इस पाल को। आई थिंक आपकी दरअसल सबसे बड़ा खुद का भी गिफ्ट यही हो सकता है पाल नंबर थ्री, कि आपको उठना आता है, आप रॉक बॉटम भी हिट करते हो ना, आपको पता है कि दोबारा कैसे उठना है आप में वो थोड़ा सा जज्बा तो है इस पाल में, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही है, थोड़ा सा, थोड़े से तो ज़्यादा ही है कि आप में वो गिफ्ट है बाकी लोगों के मुकाबले में। अगर आप हिट भी करते हो तो आपको पता है दोबारा जंप कैसे करना, दोबारा उठना कैसे है। एंड आई थिंक ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत जेन्यून कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ इस पाल को, ये बहुत इंस्पिरेशनल एनर्जी होती है। आई थिंक ऐसे ही लोग हैं जो सोसाइटी को भी आगे बढ़ने में यू नो मदद करते हैं। इम्यूनिटी, ओके, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है इस मंथ में, तो हेल्थ वाइज भी आई थिंक कुछ एलर्जीज वगैरह थी, इन्फेक्शंस वगैरह, वो छोड़ रही हैं आपको, ठीक है, आप हील हो रहे हो। एंड कॉन्टैक्ट,
पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी के साथ काफ़ी लंबे समय से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस शख्स की सेहत अच्छी नहीं थी, लेट्स से, या अपनी हीलिंग जर्नी पर निकल गए थे, तो आई थिंक आप उस पर्सन के साथ भी दोबारा से कॉन्टेक्ट में आ रहे हो. ओके, तो यस, किसी पुराने दोस्त के साथ, शख्स के साथ आपकी बात हो सकती है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. ओह, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है. वी हैव सक्सेस. तो इस सक्सेस को किस फील्ड के लिए क्लेम करना चाहोगे उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं सक्सेस के कार्ड को इस चीज के लिए क्लेम कर रहा हूं. ओके, तो सक्सेस है. You will be shown the way, आपको रास्ता दिखाया जाएगा. तो गाइड है आपके लिए इस मंथ में, आपको गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ये इस तरीके से आगे बढ़ो. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, वल्चर, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता इस चीज़ की भी कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ सच में है या नहीं, या ये मेरे विरुद्ध ही काम कर रहा है, थोड़ा सा डर सता सकता है. थॉट्स हैं, थॉट्स को चेंज किया जा सकता है. ओके, उन लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो जो दरअसल आपके साथ खड़े होते हैं. ओके, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. तो सक्सेस शब्द बहुत है इस पाल के लिए इस मंथ में. गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, या कोई टीचर, कोई माहिर शख्स भी है यहाँ पर जो बेसिकली डेफिनेटली आपको गाइड कर सकता है. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन. फीमेल एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ में. एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी दोस्त से आपको एडवाइस मिल सकती है, लॉयल है ये दोस्त. न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो प्रेगनेंसी की न्यूज भी है और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इस पायल को मिल सकती है अगर ये पायल काम करना चाहता है बिजनेस में. ओके, हैप्पीनेस, फ्लावर्स, हैप्पीनेस. सो यस, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग. आई थिंक आपकी रीडिंग थोड़ी सी दूसरों के मुकाबले में छोटी रही, लेकिन आई थिंक यही कुछ मैसेजेस थे जो आपको सुनने की ज़रूरत है. सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे चैनल को बहुत हेल्प होती है ग्रो करने में. यू नो, मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ में मुझे बहुत हेल्प होती है, समझ में आता है कि हाँ ऐसा कॉन्टेंट लोगों को पसंद आ रहा है, और भी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छे अच्छे और डेक खरीदें आपके लिए और आपके साथ शेयर करें. यू नो, और भी मैंने नए डेक खरीदे हैं बाय द वे, मैं आने वाली रीडिंग्स में से यूज़ करने वाली हूँ. तो यस, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नई वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिए IAM Home Workshop. और ये बॉडी पॉजिटिविटी और वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है, 9 जुलाई से शुरू होने वाली है ये वर्कशॉप. तो आप उसकी डिटेल्स के लिए मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर. सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं. और क्या, बस नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए. ओके, ऑलराइट लव्स, मैं आज के सेशन को यहाँ पे एंड करती हूँ. टेक केयर, बाय.